ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين। फरमाया मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊँगा, मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊँगा खौफ देकर, जानों मालों फलों की कमी देकर, और अगर तुमने सब्र किया तो मेरे महबूब इन्हें जन्नत की और मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दीजिए। अगर कोई नेक बीमार पड़ जाए तो उसकी अल्लाह आजमाइश फरमा रहा होता है, उसकी अल्लाह आजमाइश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर फजल फरमाता है, उसकी आजमाइश करता है। फिर इन मुसीबतों पर जो शख्स सब्र करे, रब फरमाता है अगर मेरी रजा पे राजी हो गया तो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बाकी नेकियों पर मैं सवाब देता हूँ, और जो कोई सब्र करता है रब फरमाता है मैं उसका बन जाया करता हूँ, सब्र करने वालों के साथ हो जाता हूँ। और जब अल्लाह आजमाइश डालता है ना तो जो काम सीधे होते हैं वो भी उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। जब खुदा की तरफ से वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुऊ वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, जब इंसान पर अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नाजल होती है, आप सोने को हाथ रखते हैं तो मिट्टी हो जाती है। आप किसी तरफ भी, बहुत से दोस्त आके कहते हैं जी कदम आगे उठाता हूँ जाता पीछे है क्या करूँ, तो मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि थोड़े दिन कदम उठाना ही छोड़ दें, क्या करें, बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, सब्र करें, दुआ करें। कुछ वक्त इंसान पर ऐसा होता है, तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन्नास, जो अल्लाह ने इंसान के दिन बदल के रखने होते हैं, कुछ वक्त ऐसा हो, फिर एक वक्त आता है कि वही इंसान मिट्टी में हाथ रखता है तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। रब आजमाइश करता है, रब आजमाता है। जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं, जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, कयामत का दिन है, फरिश्ते नामाए अमाल खोलने लगे, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम्हें पता है मैंने इसे दुनिया में बड़े दुख दिए थे, इस पर बड़ी आजमाइशें आई थी, इसने जिंदगी बड़ी तकलीफ में गुजारी थी, तुम्हें खबर है, या अल्लाह हम जानते हैं बड़ा साबर है, बड़ा साबर है, इसने सबर के साथ वक्त गुजारा, सबर के साथ अपने औकात को तय किया। रब फरमाते हैं जो इतना सबर करे मैं उसका नामा अमाल टटोलूं, इसका नामा अमाल खोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, सारा कुछ लपेट दो और बगैर हिसाब किताब इसे जन्नत में दाखिल कर दो। ये सबर करने वाला है, ये सबर करने वाला है। बड़ी खूबसूरत हदीस, बड़ी बुखारी शरीफ में मौजूद है। बुखारी शरीफ की ये हदीस ऐसी है जिसे मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं चूम लेता हूँ। हदीस क्या है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा है उसको मैंने आंखें नहीं दी, उसको मैंने आंखें नहीं दी, अंधा है, पैदाइशी अंधा है या बाद में किसी वजह से हो गया, उसके पास आंखें नहीं, लेकिन उसने जिंदगी भर सबर किया, उसने जिंदगी भर सबर किया, सुबह कयामत वो खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इसको मैंने आंखें नहीं दी, बेचारा ना बेटी देख सका ना बेटा, ना बाप देख सका ना माँ, ये कोई दुनिया का नजारा नहीं कर सका, तुम बताओ इसका आदर क्या है। फरिश्ते कहते हैं मौला जन्नत का आला दर्जा दे दे, अल्लाह इसे बेहिसाब बख्श दे। रब फरमाते इसने सारी जिंदगी बगैर आंखों के सब्र किया है, इसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि आज इसे इसका रब अपना दीदार भी कराएगा। फरमाया कयामत में लोग जन्नत के नजारे करेंगे और ये अल्लाह का दीदार करेगा, इसको रब करीम के जलवे दिखाए जाएंगे, इसलिए कि ये साबिर रहा। और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो साबिर होता है ना, तवज्जो है आपकी, मेरी बात की समझ आ रही है, आला हजरत फरमाते हैं बड़ा कीमती जुमला फरमाते हैं, जो साबिर होता है वो सुकून में होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हजरत जी देखे ना मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं जूते ले सकूं, फरमाया सबर कर अल्लाह देगा। कहने लगा जी सबर ही क्या सारी उम्र, उसने जूते लेने के बराबर भी पैसे नहीं दिए, नंगे पांव फिर रहा हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने उसका बाजू थामा, एक घर में ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, घर का मालिक बाहर आया,
उसने दोनों तरफ बैसाखियां पकड़ी हुई हैं, टांगे तो हैं पर पैर ही कोई नहीं। फरमाने लगे बता ये अच्छा है कि तू? कहने लगा जी मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, अपने रब से भी माफी मांगता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे कयामत में अजर देगा तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, तो वो अजर देखेगा। वो किसी दानश्वर ने कहा था कि मेरा बाप इंतकाल कर गया, 6 महीने गुजरे तो मेरा 18 साल का बेटा भी इंतकाल कर गया। कहने लगे मैंने अपने 80 साल के बाप का जनाजा उठाया तो मेरी कमर नहीं झुकी, लेकिन जब 18 साल के बेटे का जनाजा उठाने लगा तो मेरी कमर झुक गई और रो के कहने लगा लोगों बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, दुआ करो किसी को बेटे का जनाजा ना पढ़ना पड़ जाए, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन मरहला है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के साहिबजादे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हुजूर के साहिबजादे आप रात को जब उनकी विलादत हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आए। जागिए जरा जरा गौर फरमाइएगा बात पे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमने हुजूर के चेहरे को चमकते देखा। हमने कहा या रसूल अल्लाह मूड मुबारक बड़ा अच्छा है, हुजूर कोई खैर की खबर है? फरमाया मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। फरमाते हैं अगले ही दिन, एक रवायत है कुछ अरसे के बाद, एक रवायत है अगले ही दिन जोहर के बाद मेरे महबूब ने प्यार करने के लिए बेटा उठाया और साहिबजादे की सांसें उखड़ने लगी। रसूल पाक के साहिबजादे नबी पाक के मुकद्दस हाथों में सांसें उखड़ रही हैं, हुजूर के दस्ते मुबारक में साहिबजादे ने विसाल कर दिया, आंखें बंद की तो नबी करीम की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। रात खुशी थी, रात हुजूर मुबारकें वसूल कर रहे थे, रात मुस्कुरा रहे थे। एक ही तो रात गुजरी है, 24 ही तो घंटे हुए हैं, आंखों में आंसू भर आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं, हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह दिल मेरा गमजदा है, आंखों में आंसू हैं, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा, मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा। और याद रखिए मुसीबतें अल्लाह के प्यारों पर।